दोस्तों नमस्कार, मैं लतीफ़ कुरैशी आपका दोस्त। आप ये जो फली देख रहे हैं इसको सहजन की फली कहते हैं या मोरिंगा ओलिफेरा, इसका बॉटनिकल नेम होता है, ये भी कहा जाता है। भारत देश में एक से एक बढ़कर औषधि वाले पौधे लगते हैं। आज हम सहजन की फली के, इसको सहजना की फली भी कहा जाता है देसी लैंग्वेज में, इसके फायदे क्या-क्या हैं और इसमें कौन-कौन से विटामिन्स होते हैं, इन सब की जानकारियां मैं आज आपको देने जा रहा हूं। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको भी पता चले कि सहजन की फली जो हमको खाने में मिलती है उससे क्या-क्या बेनिफिट हमारे शरीर में होते हैं। चलिए आइए जानते हैं। सहजन की फली खाने से पुराने गठिया जोड़ों के दर्द, वायु संचय या बात रोग जो भी होता है उनमें लाभ मिलता है। यदि आप मोटापे से परेशान हैं तो घबराएं नहीं। सहजना की जो फली होती है इसकी पत्तियाँ, पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं इन पत्तियों के रस का सेवन यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका मोटापा कम होना चालू हो जाएगा। यदि आपके शरीर में कोई घाव या सूजन हो रही हो तो सहजन की पत्तियों को पीसकर उस घाव या सूजन वाले स्थान पर लगाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। सहजन की फली शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है क्योंकि सहजन की फली में हाई मात्रा में ऑलिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। यह शरीर के कई रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। सहजन की फली खाने से हड्डियों में मजबूती आती है। सहजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और सीलियम होता है। फली के अलावा इसकी पत्तियाँ बेहद उपयोगी होती हैं। यदि सहजन की पत्तियों का सूप बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको टीबी, अस्थमा जैसी समस्याओं से निजात मिल सकती है। अपने सूप की गुणवत्ता और स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें आप नींबू का रस, सेंधा नमक और काली मिर्च भी मिला सकते हैं। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलिक एसिड पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन सिक्स, बी कॉम्प्लेक्स और ए विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सीलियम, नियासिन और राइबोफ्लोविन पाया जाता है। सहजन की फली का उपयोग मर्दाना ताकत बढ़ाने में भी किया जाता है। सहजन की फली का उपयोग प्रतिदिन करने से जिन पुरुषों में शारीरिक रूप से कमजोरी है उनको उसके फूलों का रस गाय के दूध के साथ लेना चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात ही उनकी शारीरिक कमजोरी खत्म हो जाएगी। महिलाओं को यदि कमजोरी है तो वो उनकी भी कमजोरी इस सहजन के पेड़ से और इसके फूल से की जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।